जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 लव यू जिंदगी. वेलकम टू आर शो डियर जिंदगी. डियर जिंदगी एक ऐसा शो है जिसमें हम लाइफ से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, और आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे युवाओं में बढ़ती सुसाइड केसेस के बारे में. कहा जाता है कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन आज यही युवा बहुत सी समस्या का सामना कर रहे हैं. तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे और इस समस्या का समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे. और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भव्या मैम, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और दूसरे गेस्ट हमारे साथ महेश सर, जो कि एक पिता भी हैं और जिम्मेदार नागरिक भी हैं. तो मैं हम दोनों का स्वागत करता हूं अपने शो में. गुड मॉर्निंग राहुल. बातचीत का ये सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सुसाइड के ऊपर हमारी कुछ खास रिपोर्ट को देखते हैं. आप दोनों ने रिपोर्ट देखा, अब मेरा सवाल आपसे है कि हर साल मैम कोटा में पढ़ाई करने वाले छात्र दबाव में जो आत्महत्या जैसा निर्णय ले लेते हैं, तो इसको मैम किस तरह से रोका जा सकता है, आप इसके बारे में बताइए कुछ हमें. सो पहली बात समझने वाली ये है कि हमारे जितनी सीट्स हैं और जितने बच्चे अप्लाई करते हैं ये प्रोपोर्शनल ही नहीं है आपस में, कि जितने बच्चे जो इतना तनाव के साथ बैठे हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं इस बात का कि उनको सीट चाहिए, प्रोबेबिलिटी नहीं है. तो या तो एक हमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हम सीट्स बढ़ाएं, या फिर अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है देश में क्योंकि युवा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम एग्जामिनेशन क्राइटेरिया चेंज करें. दूसरी बात यह है कि जितना प्रेशर हमारे सोसाइटी में एक चलता है कि यू नो इंजीनियरिंग ही एक अच्छा प्रोफेशन है या फिर इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, फिर दूसरी बात आ जाती है कि बच्चे स्कूल छोड़ के आजकल बहुत ये कोटा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर रहे हैं. तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में स्कूल में क्या होता है कि आप हर तरीके के बच्चों से आपका यू नो वास्ता है, आप मिल रहे हैं. कोचिंग में जब आप जाते हैं तो आप सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं, सारे बच्चे सिर्फ इस बात पे फोकस्ड हैं कि मेरा इससे एक नंबर ज़्यादा आना चाहिए, मेरे को इसको नीचे करना है. तो वो वातावरण और जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप में ही मेंटल हेल्थ ख़राब करने वाला स्पेस है. तो स्कूल जो बच्चे छोड़ रहे हैं, ये पेरेंट्स से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हम जो स्कूल से बच्चों को निकाल कर यू नो नॉन अटेंडिंग करवा कर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भेज रहे हैं, ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. तो इस पर ज़रा गौर किया जाए. दूसरा एडमिनिस्ट्रेशंस की हमारी सीट्स बढ़नी ज़रूरी हैं. तीसरा हमें एग्ज़ाम्स को दूसरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है इस देश में वो हम उसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट बोलते हैं. तो वो इस तरीके से नहीं है, वो कभी भी ये असेस नहीं कर पाता है कि आप इंटेलिजेंट असली में कितने हैं. वो ये देखता है कि आप इतनी देर में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वो एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, वो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है. तो अगर हम इंटेलिजेंस ही टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों की, तो फिर हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि एक अच्छे IIT में जाने वाला इंजीनियर या बच्चा ही सबसे इंटेलिजेंट था. तो परफॉर्मेंस और इंटेलिजेंस का जो मैच नहीं है, हमारे एग्जामिनेशंस को भी उसको अडाप्ट करने की ज़रूरत है. अगला सवाल सर मेरा आपसे है, कोटा में जगह जगह पर कई छात्रों ने सुसाइड करी है और सुसाइड के केसेस भी बढ़े हैं, तो क्या सर इससे माँ बाप डर गए हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, तो इसका सर आपके क्या विचार है? देखिए ऐसा नहीं है, एज ए पेरेंट्स मैं जरूर चाहेगा कि भाई मेरा बच्चा जरूर हर फील्ड में अच्छा करे, एंड उसके लिए जो बेस्ट है शायद मैं गाइड कर सकता हूँ. एंड हमारे सोसाइटी में एज सेड बाय द मैम दैट कि इंजीनियरिंग एंड सम टेक्निकल एजुकेशन जो है उसको ज़्यादा वैल्यू रहता है. अगर मैं उसको उस समय गाइड नहीं करेगा कि आप इसके लिए ट्राई कीजिए, वो फ्यूचर में मुझे ब्लेम करेगा कि आपने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया. ठीक है सुसाइड कर रहे हैं, ये मेरा ड्यूटी है कि उसको समझाना है कि हारना और जीतना दोनों चलेगा. एंड समटाइम कुछ बच्चे समझ भी जाते हैं. अब बच्चों को बाहर भेजने से पहले उनको मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि भाई आप बाहर जा रहे हैं बट यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड.
आप अपना बेस्ट दीजिए, जैसा आपको मैंने इधर के लिए गाइड किया, आई हैव गॉट इन अदर वेज ऑल्सो टू गाइड यू इन फ्यूचर. आप इधर नहीं परफॉर्म करते हैं सो दैट एक फेलियर का सेंस भी उनके अंदर रखे, बट इट इज नॉट अ फेलियर, इट्स अ चांस टू एन अनदर अटेम्प्ट. ऐसा मैं सोचता है, तो इसलिए मैं रोकेगा तो नहीं अपने बच्चों को, बट जरूर मैं उनको एनकरेज करेगा, आप ट्राई कीजिए, रेस्ट इज ऑल डेस्टिनी. जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें. मेरा बस सवाल आपसे है, कई बार बच्चे निराश और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इतना संघर्ष करने के बाद भी उसको सेट जैसा कदम क्यों उठा देते हैं, इस पर आपके क्या विचार? पहले तो हमारी सोसाइटी में सुसाइडालिटी या सुसाइड समझने की परिभाषा नहीं है. हम लोग सुसाइड का टॉपिक आते ही, जैसे आज मैं यहाँ स्टूडियो में भी आई तो क्योंकि सुसाइड का टॉपिक है, जब इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बात हो रही थी तो इसको एक सेंसिटिव कॉन्वर्सेशन, चुप्पी की नज़र से देखा जाता, तो जैसे सुसाइड की बात आती है सन्नाटा हो जाता है, वाइब्रेशन हैवी हो जाती है, सबके फेशियल जो स्माइल होती है वो एकदम शांत हो जाती है. तो ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ के बारे में जब तक हम बात नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मेंटल हेल्थ, मैं इलनेस नहीं अभी बोल रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ जैसे मैं हेल्थ के बारे में बात करती हूँ तो आप सोचते हैं अच्छा ग्रीन टी पीनी चाहिए, यू नो भागना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, पर जैसे ही मैं मेंटल हेल्थ बोलती हूँ हम अवसाद, निराशा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचनी शुरू कर देते हैं. तो पहले हेल्थ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि बच्चे निराश हो जाते हैं. अब एक बच्चे को जर्नी अगर हम देखें एक बच्चे की, तो माना कंपटीशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर पर्सनालिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उस चीज़ में, जो स्कूल और हमारे पेरेंटिंग के स्टाइल में बच्चे की डेवलप हो रही होती है. बच्चे की निराशा हर कदम पे टेस्ट हो रही होती है, जब वो बॉल फेंकने लगा तो उसका क्या, पेरेंट्स ने क्या रिएक्शन दिया, सोसाइटी ने क्या रिएक्शन दिया, स्कूल में कम मार्क्स आए तो फ्रेंड्स ने कैसा रिएक्शन दिया, टीचर्स का क्या रिएक्शन था. तो ये सारी चीज़ें, हम सोचते हैं कि सुसाइडालिटी और निराशा सिर्फ बच्चे की प्रॉब्लम है, कि बच्चा निराश हुआ उसने सुसाइड का सोच लिया, ये बच्चे की प्रॉब्लम है. पर अगर देखा जाए तो सुसाइड कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं. अब इस सब में एक जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. जैसे हम डायबिटीज़ के लिए आजकल ये चीज़ मानते हैं कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी तो हो सकता है आगे भी हो सकती है. सिमिलरली क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़, अब इलनेसेस के बारे में बात नहीं हुई है तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में कहाँ कोई इलनेस थी. अब कोई इलनेस पहले भी नहीं पता, फिर वो आगे पास ऑन हो गई तो बच्चे को भी नहीं पता, बच्चे के ऊपर और प्रेशर्स आ गए, और उसकी वजह से जब हम ब्रेकडाउन नोटिस करते हैं तो हमें लगता है दैट अच्छा बच्चे की गलती थी या ये कैरेक्टर फ्लॉ है, कि उसके चरित्र में ना वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो बच्चे में वो बात नहीं थी कि वो ले पाई ये प्रेशर, वो बच्चे से हो नहीं पाया, जबकि बहुत सारे फैक्टर्स ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं. तो जब हम निराशा, अवसाद, सुसाइडालिटी की बात करें तो हमें हर लेंस से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही होती है इन रीचिंग दैट फेज. सेकेंड बात इसमें ये आती है कि अगर बच्चा निराश हो रहा है या फिर अवसाद के सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इस चीज़ को अर्ली डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, कि अर्ली सिम्टम्स, कि बच्चा कटा कटा रहने लग गया, आजकल सबके साथ नहीं बैठता, पहले हंसता खेलता था आजकल वो नहीं है, खाना पीना कम हो गया या खाना ज़्यादा हो गया, वज़न एकदम से बढ़ गया या वज़न कम हो गया, सोता ठीक से नहीं है, आँखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, या फिर ज़्यादा सोने लगा एकदम से, यू नो एंगेज नहीं कर रहा है फ्रेंड्स के साथ, पहले फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए बोलता था कि मम्मी मुझे जाने दो, आजकल बोलता है नहीं मेरे को दोस्तों के आसपास नहीं जाना. तो कुछ कुछ चीज़ें हम नोटिस अगर कर ले बच्चों की तो हम ऑलरेडी सपोर्ट ऑफर कर पाएंगे. और ये कॉन्वर्सेशन जो है, निराशा हो गई, अवसाद हो गया, सुसाइड की हो गई, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जितना चुप्पी करते हैं इस बारे में उतना बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बात बारे में बात करना अलाउड नहीं है, इस बारे में बोल पाना अलाउड नहीं है, मैं किसी को बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है इस सब के बारे में, और डरना छोड़ना पड़ेगा इस सब चीज़ों से. सर अगला सवाल मेरा आपसे है, सर कोटा में जो छात्रों की स्थिति है इस वक्त, करो या मरो वाली बन चुकी है, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि हम कोटा के ऊपर ही लिमिटेशन पे नहीं रहना है. जी जी, सेट की आपको देखने का है आपके बच्चे का मेंटेलिटी किस वे से ग्रोथ हो रहा है, आपका बच्चा किस वे में ग्रो हो रहा है, किस जगह पे कैसे डिप्रेशन में जाए. कोटा इज नॉट अ सम
आप एक बोलते हैं बैरोमीटर नहीं है सोसाइट का, या फिर वो एक ऐसा आइसोलेटेड प्लेस नहीं है. दैट प्लेस हैज प्रूवन, बहुत सारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आज की डेट में जो अच्छा कर रहे हैं वो कोटा से आए हुए हैं. हम किसी एक जगह को बदनाम नहीं करके, हम किसी मानसिक स्थिति जो मेंटल स्टेबल उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. आज यूपीएससी के लिए कितने लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, उसमें से रेशियो है 10 लाख रेस टू 100 या 1000, उसमें भी ग्रेडेड है. उसमें बहुत से बच्चे इंटरव्यू लेवल तक जाते हैं, वहाँ से वो फेल हो जाते हैं, उनको भी डिप्रेशन आता है, वो भी कुछ कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से तो कोटा को हम सिर्फ एक पॉइंट नहीं लेके, हमको एक इन जनरल लेना पड़ेगा. खराब मानसिक स्वास्थ्य से भी गुजरते हैं और मेंटल हेल्थ उनकी खराब होने लगती है, तो इस स्थिति में छात्र क्या करें, आपका क्या विचार है इस बारे में? छात्र क्या करें, पहले तो हेल्प इज़ अवेलेबल, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है. मेरे पास बहुत सारे ना 40 से ऊपर लोग आते हैं जब सेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो छोटी सी चीज़ होती है कि उनको एंजाइटी का वर्ड ही नहीं पता होता, कि उनको बताना पड़ता है कि जब आपका ऐसे हॉल पढ़ रहे हैं जो बात बोली जाती है वो एंजाइटी है, कि you know, पता चला किसी हाउसवाइफ को कि मेरे घर पे इतने सारे गेस्ट आने हैं और मेरी एकदम से दिल बैठ गया, है ना. बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमने सब मम्मियों ने सुना होगा कि सब बोलते हैं ये सारी बात, या फिर पापा बोलते हैं कि जैसे ही मैंने बैंक अकाउंट या फिर आज सेंसेक्स गिरते हुए देखा मेरा तो भाई पसीने छूट गए. ये बहुत ही नॉर्मल बातें हैं जो हमने सुनी है, पर बच्चों की अब ये ट्रांसलेशन कि हमारे जनरेशन के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात होनी शुरू हो गई है, तो आइडेंटिफाई करना, खुद को इन्फॉर्म्ड रखना कि मेंटल हेल्थ है क्या, एंड अगेन मेरा फोकस जा रहा है हेल्थ की तरफ, नॉट इलनेस और इश्यूज की तरफ. हेल्थ भी हम इक्वली आइडेंटिफाई करें, तो सबसे पहली चीज़ इन्फॉर्मेशन भर के अवेलेबल है, चाहे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, हर तरीके से अवेलेबल है, तो इन्फॉर्म्ड रखें खुद को कि मेरे कितना, मैं कितना हेल्दी महसूस कर रहा हूँ. सेकंड चीज़ है कि अगर आपको पेट दर्द हो, मैं आपसे पूछती हूँ आप कितने दिन लोगे डॉक्टर के पास जाने में? तुरंत ही चले जाओगे, ठीक है. कई बार बच्चे हफ्ता, दो हफ्ता, दो साल, 10 साल बिता देते हैं डॉक्टर के पास आने से पहले. अगर आपका पेट दर्द हो आप 10 साल नहीं रुकोगे, आप 2 साल नहीं रुकोगे, आप जाओगे. तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन ख़राब चल रहा है, मेरा मन नहीं मैं ठीक कर पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, मैंने हर तरीके से ट्राई कर लिया, हम भी करते हैं कि पेट दर्द है हम घरेलू नुस्खे ट्राई करते हैं सबसे पहले, you know, अजवाइन लेंगे, कुछ करेंगे, हम घर पे ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि दादी माँ के कोई नुस्खे ट्राई कर लिए, फिर हम ट्राई करते हैं सबसे पास वाला डॉक्टर ट्राई कर लिया, फिर वहाँ से भी नहीं समझ में आया, हम फिर आगे बढ़कर स्पेशलिस्ट का ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं. सिमिलरली जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, आप बात करें, पहले तो बात करें घर में, आसपास बात करके देखें, क्या पता आपका इशू वहीं रिजॉल्व हो जाए. जैसे सर यहाँ पेरेंट बैठे हैं, पेरेंट्स से ज़रूर बात करें बच्चे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बिकॉज कई बार एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेरेंट अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर जाए कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, बच्चे का इशू एड्रेस हो जाएगा. टीचर से बात करें, कोई एक अडल्ट फाइंड करें, जो सेफ अडल्ट जिसको हम बोलते हैं, वो सेफ अडल्ट बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रोल प्ले कर सकता है बच्चे की लाइफ में. अगर वो सेफ अडल्ट लेट्स से एक्सेसिबल नहीं है, तो आपके पास हेल्प एक्सेसिबल है. आज की डेट में टेलीमानस, माई होप करके क्लिनिक्स हैं जो आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कि आप घर बैठे मेंटल हेल्थ सपोर्ट सीख कर सकते हैं. तो ये इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए कि आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट से बात करें, क्योंकि बात करना ज़रूरी है, ये वही कंसल्टेशन ज़रूरी है. तीसरी बात इसमें ये आती है कि हम शर्म ना करें फ्रेंड से सपोर्ट लेने में. कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर वो काउंसलिंग भी ले रहे होते हैं, कोटा में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मम्मी पापा को पता है मेरी काउंसलिंग चल रही है, पर मैं दोस्तों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ चुप्पी कि दोस्तों को नहीं बताना कि कोई मेरा फ़ायदा उठा लेगा. कई बार पेरेंट्स ये वाली बात बोल देते हैं, किसी और को नहीं बताना तुम काउंसलिंग में हो. तो ये चीज़ क्या होती है कि बच्चे को काट देती है उनके सपोर्ट सिस्टम से, जबकि एक ऐसा मोमेंट है वो उनकी लाइफ में जहाँ पे उनको सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. तो बच्चे बात करें, शर्मा शर्मी हटाएं इस बारे में,
एंड आपस में भी सेफ फ्रेंड्स. अगेन मेरा वर्ड फोकस यहाँ पे सेफ पे, सेफ एडल्ट, सेफ पेरेंट, सेफ फ्रेंड्स, उनके साथ डिस्कस करें, जिससे जितना सपोर्ट मिलता जाएगा उतना जल्दी रिकवरी का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा. तो मेरे रिकमेंडेशंस रहेंगे कुछ बच्चों के लिए. अगला सर, मेरा सर आपसे है, सुसाइड बच्चे करते हैं और इसकी वजह सर पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन बताई जाती है, तो सर इस पर आपके क्या कहना? यस, ये बस सही है कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं जी. यू आपके जो भी डिजायर्स हैं यू थ्रश अपॉन योर किड. शायद मैं नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा वो करके ले लेगा. हमको वो एक ड्रैग लाइन से दूर हटना है. अगर हम अपना एक कुछ एग्जांपल ले लें, हमारे फादर का एग्जांपल ले लें, तो हमारे फादर ने हमारे ग्रैंडफादर से अच्छा किया था. हो सकता है मैंने मेरे फादर से अच्छा किया हो. सो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि मैं देखते रहे, हो सकता है कि ही वुड बी डूइंग बेटर देन मी. आप एक ऑब्जर्वर रहिए कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं. एंड आपको लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है. वो लोग अभी वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मगर दे आर एक्सपोज टू मैनी थिंग्स जो पहले हम नहीं थे. तो हो सकता है बहुत सारी एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पर वो आपकी चॉइस नहीं लेके अपने फ्रेंड्स की चॉइस में जाते हैं. अगला सवाल मेरा आपसे है, बहुत से छात्र खराब मानसिक स्वास्थ्य से भी गुजरते हैं और मेंटल हेल्थ उनकी खराब होने लगती है, तो इस स्थिति में छात्र क्या करें? जो बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने की, जब सुसाइड की बात आती है तो बहुत बार सुसाइड की अंडरलाइंग रीजन अनडायग्नोस्ड इलनेस माना जाता है, कि कोई एक बीमारी थी जो डायग्नोज नहीं हो पाई जिसकी वजह से सुसाइड तक बात आ गई. इसका एग्जाम्पल है कि हम जब हमारे देश में बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि बच्चों को स्विमिंग सिखानी है, फेंको सीख जाएगा, है ना. सिखाते हैं, बहुत पेरेंट्स ने ऐसे सिखाया कि स्विमिंग पूल में फेंको सीख जाएगा. अब बच्चा क्यों सीख जाता है जबकि आती भी नहीं है हाथ पैर चलाने? क्यों सीखता है? क्योंकि बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी है टू सेव इट सेल्फ. आप जलती हुई बिल्डिंग में होंगे, आप भाग के एग्जिट डोर ढूंढेंगे, बिकॉज आपकी बॉडी उस तरीके से काम करती है कि मैं कैसे बचाऊँ. अब अगर समझा जाए सुसाइडलिटी को किसी की बॉडी जिसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि खुद को बचाना, और वो उसके एकदम विपरीत जा रही है, तो मतलब कोई तो डिसऑर्डर है इसके बीच में, कि एक नेचुरल टेंडेंसी और जो हम सामने देख रहे हैं वो विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिसऑर्डर है उसके बीच में. तो वो डिसऑर्डर डायग्नोस होना इम्पॉर्टेंट है. तो डायग्नोसिस के लिए हम अर्ली जो सिम्टम्स ऑब्जर्व करते हैं, जहाँ आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा, हमारा टाइमलाइन रहता है 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको लगे कि नहीं ठीक लग रहा है. ज़रूरी नहीं है हर बार, कई बार साइकाइट्रिक दवाइयों से हमारी सोसाइटी बहुत डरती है कि नहीं लेना, किसी को लोग क्या कहेंगे, आदि बन जाएंगे, एडिक्शन हो जाएगी, जबकि ये बहुत ही, ये आधे रीजंस हैं. हम बहुत बार जो चीज़ें सही हो सकती हैं जल्दी, हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि हमने एड्रेस ही नहीं किया. लोग क्या कहेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं. तो वो 2 हफ्ता का जो टाइमलाइन है, जब भी आपको लगे 2 हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को ठीक करने की, नहीं हो पा रहा, दैट्स द टाइमलाइन, यू विजिट अ डॉक्टर, यू विजिट अ काउंसलर. आज की डेट में काउंसलर्स इस बारे में ट्रेंड हैं कि अगर मेरे तक चीज़ ठीक हो रही है तो मैं वहाँ तक ठीक करूँगी, दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. साइकाइट्रिस्ट ट्रेंड हैं कि अच्छा, दवाई की ज़रूरत नहीं है, काउंसलर के पास भेजा जाए. काउंसलर ट्रेंड है कि नहीं, काउंसलिंग तक की बात नहीं है, साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा जाए. एंड साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, दैट्स दैट वे हम साथ में काम करते हैं. तो आप किसी भी एक के पास पहुंचेंगे, वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है. बहुत बार लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जनरल फिजिशियंस के पास भी चले जाते हैं. हमारा समहाउ जनरल फिजिशियंस के साथ अभी थोड़ा सा रिश्ता बनने की बात है कि वहाँ पे मैनेज करने की बात कोशिश करी जाती है, जबकि स्पेशलिस्ट्स की ज़रूरत है उस स्पेस में. तो अगर आप जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आप चलो जनरल फिजिशियन के पास पहुँच गए कि मेरा मन ठीक नहीं है, मुझे ठीक होना, पर आपने 1 महीना जनरल फिजिशियन के साथ काम कर लिया. अब 1 महीना और 2 हफ्ते, 1.5 महीना हो गया, इससे ज़्यादा ना रुकें और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाएं. ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है. देश में काउंसलर की कमी बताई जाती है जो कि समय समय पर काउंसलिंग करें. काउंसलिंग के बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमारी ऐसी कौन कौन सी काउंसलिंग संस्थाएं हैं जो हमारे देश में इस वक्त मौजूद हैं, उसके बारे में हम क्या बताना चाहते हैं? आपने बोला कि काउंसलर्स के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है,
तो ये समझना ज़रूरी है। मैं बता देती हूँ, जब हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो कौन से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं देश में। एक है साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट वो इंसान है जो एमडी डॉक्टर है, एमबीबीएस के बाद एमडी करी है, डीएनबी करी है, और वो दवाई लिख के दे सकते हैं। वो भी आपका फर्स्ट टच पॉइंट हो सकते हैं जब आपके मेंटल मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है या मानसिक रोगों की बात आती है, तो उनके पास जा सकते हैं। दूसरा पर्सन आपके पास अवेलेबल है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये जनरली साइकाइट्रिस्ट के साथ काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये वो काउंसलिंग, ये वो साइकोलॉजिस्ट हैं जो इलनेसेस के साथ काम करने में ट्रेंड होते हैं, जैसे मानसिक रोग हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां हो गई, तो जो भी मानसिक रोग होते हैं उनके साथ उनकी ट्रेनिंग है। तीसरे टाइप के साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिनको कहते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स, जैसे मैं। हमारी ट्रेनिंग इस चीज़ में होती है कि जब हम लोगों के इमोशनल इश्यूज़ के साथ काम कर पाएँ, भावनात्मक काम कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भावनाओं पे ही एड्रेस हो जाए तो भी वो रोग का रूप नहीं लेती हैं। तो काउंसलर के पास पहुंचने में भी तीन अलग लोग हैं जिनके पास आप जा सकते हैं, पर आप किसी भी एक के पास जाएंगे, हमारी ट्रेनिंग इस हिसाब से होती है कि हम आपको सही डायरेक्शन दे के उनमें से तीनों में किसी एक के पास भेज पाएँ आपको। चौथा इसमें आता है वर्ग जिसे कहते हैं साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स, वो भी काउंसलर्स का काम करते हैं इस देश में और ब्रिज करते हैं गैप बिटवीन साइकोलॉजिस्ट्स एंड साइकाइट्रिस्ट्स, एज वेल एज कि सोसाइटी की नीड क्या है काउंसलिंग के बेसिस पे। जिससे जो आज ये बात निकल कर सामने आई है कि यही वक्त के रहते हमें स्टूडेंट्स को सुसाइड करने से रोकना होगा, नहीं तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और यही सही वक्त रहते हम युवाओं को सही से गाइड करें और उन्हें एक सही मंजिल की ओर लेकर जाया जाए। आप दोनों मेहमान हमारे शो में आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी।